शिवपुरी जिले के सबसे बड़ी तहसील खनियादाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बादली के समीप स्थित पनिहारिया नाथ मंदिर अपनी प्राचीनता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए संपूर्ण क्षेत्र में मशहूर है। बारिश के मौसम में यहाँ पर स्थित झरने पर स्थान की सुंदरता में चार चांद लगे हैं और इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने को इसका आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में प्राकृतिक प्रेमी इन पर पहुंच रहे हैं। प्राचीन स्थल पनहारिया नाथ पर विक्रमादित्य के समय के शिलालेख भी देखने को मिलते हैं, से इस स्थल की प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। झरने की अधिक ऊंचाई होने के कारण पर्यटकों के पैर फिसलने के पूर्व में कई घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं, पर झरनों पर प्रशासन के द्वारा कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। इस समस्या के बारे में हमारी टीम ने कई बार SDM महोदय को लेकर आला अधिकारियों को भी अवगत कराया, पर इस समस्या का निराकरण अभी तक नहीं किया गया। प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से यह स्थान धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। यदि कोई भी जिम्मेदार प्रतिनिधि इस ओर थोड़ा सा भी ध्यान देता है तो इस स्थान को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ पर लोगों के रोजगार साधन भी प्राप्त होंगे। खनियादाना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। साथियों, एक बार फिर हम उपस्थित हैं शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी तहसील खनियादाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बादली के पास पनहारिया नाथ नामक स्थान पर, जो झरना है, आजाद झरना जिसको नाम दिया गया है। इस झरने पर एक बार फिर से हम उपस्थित हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि फास्ट समाचार की टीम के माध्यम से एक वर्ष पूर्व हमने इस झरने को आप लोगों को दिखाया था और यहाँ पे जो परेशानियां लोगों को आती है उस बारे में भी आपको बताया था। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे अभी भी वही है, यहाँ तक आने में लोगों को परेशानी होती है, वरना यह स्थान जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रकृति की गोद में है और बड़ा ही सुंदर स्थान है। इस स्थान तक आने के लिए लोग मोहित हैं, बड़ी दूर दूर से पिछले वर्ष भी झांसी, इंदौर और बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ पर आए, उन्होंने इस स्थान का आनंद उठाया, मगर इस बार बारिश कम होने की वजह से झरने की जो प्राकृतिक रूप है वो कम है। फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, युवा पीढ़ी खास तौर पर यहाँ पे आ रही है, लेकिन परिवार यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, महिलाएं यहाँ पर नहीं आ पाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ का रास्ता दुर्गम है, जंगल से भरा हुआ है, जंगली रास्ते हैं। यदि यहाँ के शासन प्रशासन पंचायत, जिस पंचायत में ये आता है ये स्थान, अगर वो लोग इसको ध्यान में इस रास्ते को बनवाने का अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो हो सकता है ये स्थान एक अलग पहचान कायम कर सके और बड़ी संख्या में लोग दोबारा यहाँ तक आ सके। खनियादाना से फास्ट समाचार के लिए चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट।